क्या खर्ज़े हसना लेकर कोई तिजारत शुरू कर सकते हैं? यानी खर्ज़े हसना लिया था लेकिन उसी पैसे से कोई तिजारत की शुरुआत की। अब उस तिजारत में से मुनाफा जब आया तो उस मुनाफे की रकम से वो कर्जा लौटाया, तो क्या उस तिजारत में उस भाई का भी हिस्सा है जिसने कर्जा दिया था? इसलिए कि जिस भाई ने लिया उसका कोई पैसा नहीं था, सारा पैसा कर्जा का था जिससे वो तिजारत शुरू किया था। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يا سؤال جو ہے एक भाई के जहन में एक इश्काल आ रहा कि उन्होंने कर्जा लिया, कर्जा कर्जुन हसन, कर्जुन हसन से या कर्जे हसना से मुराद क्या है? कि देने वाला महज अल्लाह ताला से अजर चाहता है, आपकी वो मदद कर रहा है, वो आपकी ये मदद कर रहा है, वो पैसा दे दिया और या तो टाइम उसने फिक्स कर दिया 1 साल के बाद दे दे, या आपको कहा जब आसानी हो दे दे, तो उसका मकसद सवाब है, अजर चाहता है और लाशक उसने अच्छा काम किया। अब आपने उस फायदे से, उस पैसे से फायदा उठाया और आपने तिजारत भी कर ली और माशाल्लाह आपकी तिजारत कामयाब रही, दुकान कामयाब रही। अब उसको क्या सिर्फ वही कर्जा जितना पैसा लिए थे वो उतना ही लौटाना होगा, या इसलिए उसका पैसा आपने इस्तेमाल किया और उसकी वजह से आपकी तिजारत बढ़ गई तो मुनाफा भी देना होगा? तो जवाब उसका है कि नहीं, आपने जब कर्जा बस लिया उसको, तो आपने शरीक नहीं अपनी तिजारत में रखा बल्कि कर्जा लिया, तो आप सिर्फ कर्जा वापस करेंगे। और अगर आपकी तिजारत मान लेते हैं नुकसान में हो गई, खसारे में हो गया, तब भी आपको कर्जा देना पड़ता, तो आप पर सिर्फ वही कर्जा लौटाना यही वाजिब है। अब रही बात अगर आप ये कर्जा लौटाने के साथ साथ, इसलिए अल्लाह ताला ने उसके जरिए आपको नफा पहुंचाया, आप उसको हदिया देना चाह रहे हैं, कुछ और दे रहे बगैर इत्तेफाक, तो ये आपका ये बेहतर और अच्छा अमल है। बारकल्लाहु फीकुम व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।